पत्रकारिता पूरी दुनिया में भले ही एक व्यवसाय रही हो, लेकिन भारत में शुरुआती दौर से ही यह एक मिशन था। अब पत्रकारिता ने भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अपना चोला बदला है। धीरे धीरे ये कॉमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ा, लेकिन इस दौर में कहा जाता है कि 2015-16 के बाद पत्रकारिता के प्रेजेंटेशन में, पत्रकारिता करने में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अब पत्रकारों के मीम्स बन रहे हैं, गोदी मीडिया, लूटियन मीडिया जैसे नाम दिए जा रहे हैं। चैनलों पर, अखबारों में खुलेआम झूठ लिखे जा रहे हैं, झूठ पढ़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं आदि न्यूज। हम चर्चा करने जा रहे हैं उस घटना पर जिसमें जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की आज नाटकीय ढंग से यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। दरअसल मामला जी न्यूज के डीएनए में राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से कोट करने का था, जिसमें उन्होंने वायनाड के उनके ऑफिस पर हुए हमले को, हमलावरों को, जिन लोगों ने उनको उन पर वहाँ पे हमला किया था, उनको उन्होंने बच्चा कहा था। और जी न्यूज के डीएनए प्रोग्राम में उसे उदयपुर के कॉन्टेक्स्ट में दिखा करके उनको बदनाम करने की कथित साजिश की गई। इसके बाद जो हुआ वो और ज़्यादा पत्रकारिता के लिए खतरनाक दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पर पहले आपत्ति जताई, इसके बाद FIR दर्ज करवाया। आज मंगलवार को जब छत्तीसगढ़ पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो नोएडा पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार करना बता दिया। इस तरह से मामला थोड़ा सा कानूनी पेचीदगी लिए है, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता के दौर पर। हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ के दो वरिष्ठ पत्रकार, अनिल पांडे जी और युवराज सिंह आजाद। इन लोगों ने बहुत पुराने समय से पत्रकारिता की है, पत्रकारिता के दौर को देखा है। सबसे पहले हम मुखातिब होंगे अनिल पांडे जी से, उनसे पूछेंगे कि आपका तो पत्रकारिता करते हुए बहुत दिन हो गए, सालों बीत गए, इस तरह का जो दौर है, क्या आपने कभी देखा था, चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो और कोई ऐसा दौर कभी आया हो जिसमें इस तरह के मीडिया को, गोदी मीडिया या इतना ज्यादा अविश्वसनीयता हो? हर सवाल, अगर आप इमरजेंसी की बात करेंगे, उसमें पत्रकार नहीं था, परंतु लोगों से, अपने सीनियरों से सुना था कि उस समय भी एक कलम पे नियंत्रण था। जनसंपर्क विभाग से जो ओके होता था वही अपन छाप पाते थे, मतलब कुल मिला के आप सही खबर दे पाते थे। पत्रकारिता में सबसे मूल चीज है विश्वास, दर्शकों का, पाठकों का, एक पत्रकारों के ऊपर, अखबार के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर एक अगाध विश्वास है। वो बात बात अपनी बात पे वजन डालने पे ये कहता है कि मैं अखबार में पढ़ा था, टीवी में, न्यूज चैनल में दिखाया था, मतलब उसका ये एक अटूट विश्वास है। तो फेक न्यूजों के दौर में या गलत समाचारों पर बेधड़के धड़क होकर प्रकाशित कर देना या प्रसारित कर देना दर्शकों के और पाठकों के विश्वास की हत्या है, और उनको शर्म भी नहीं आती जो बिना तथ्यों का पुष्टि किए हुए, बिना सोचे, बिना समझे एक गलत तथ्य को बता के किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, किसी के खिलाफ चरित्र हत्या करना। ये ऐसी पत्रकारिता का दौर मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही मेरे किसी साथी ने यहाँ पे ऐसा किया। खबरें तो कई बार गलत छप जाती हैं या प्रसारित भी हो जाती हैं, तो ऐसे में कुछ तो उसका गलत, समझ गया, गलत खबरें प्रसारित होना या छप जाना वो एक मानवीय त्रुटि हो सकती है कि हमने मैटर बनाया, हेडिंग कहें कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने कुछ लगा दिया और उसके नीचे मैटर कुछ चला गया, फोटो किसी लगाई और अचानक फोटो किसी दूसरे की लग गई, वो इंटेंशन से पता चल जाता है। रहा सवाल जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, आप लोग सब जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है, इवन लाइव भी अगर आप प्रसारित कर रहे हैं
तो भी पांच चार दो चार पांच मिनट का ऑन एयर करने में समय होता है, उस समय आप अपनी भूल सुधार कर सकते हैं। पर उस वीडियो के कंटेंट को आप जब गहराई से देखेंगे युवराज भाई, तो ये ऐसा लगता है कि इरादतन साजिश पूर्व वो कृत्य को समाचार को प्रसारित किया गया, अन्यथा ऐसा कोई नहीं था कि कारण था कि वीडियो बनने से या एडिटिंग होने से या प्रसारित करने से पहले उस भूल सुधार को ठीक नहीं किया जा सकता था। युवराज सिंह आजादी अभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल की कर्ता धर्ता है, प्रोड्यूसर है, वहाँ सब देख रहे हैं। इस तरह की त्रुटि तो होती है, कई बार हुई है। जैसे एक बार उमा भारती चुनाव कहीं से जीत गई थी, उनके बारे में शायद जी न्यूज ही है, उसमें कह दिया गया कि भगवा चोला पहनने वाली महिला वो जो नेता है वो हार गई, ऐसा वैसा, बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। तो उसमें और इसमें क्या अंतर देखते हैं आप, इस तरह की जो चीजें होती हैं? मैं इस त्रुटि में बात करने से पहले मैं एक विषय पर जरूर जाना चाहूँगा, जो आपने शुरुआत में कहा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक प्रोडक्ट बन गई है। मैं कहता हूँ कि वाकई ये स्थिति है कि खबरें, चाहे वो प्रिंट मीडिया की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, वो उत्पाद बन गई है, वस्तु बन गई है, और इसके उत्पादक भी तैयार हो गए हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि तमाम चैनल्स पर, मीडिया हाउस पर जब कॉरपोरेट का नियंत्रण आ गया है, तो हम मीडिया के ईमानदार होने की गुंजाइश हम लगभग न के बराबर मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे पत्रकार हैं, मीडिया हाउस हैं, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और उन नैतिक मूल्यों के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि इस तरह की त्रुटियां, और देखिए तकनीकी त्रुटियां और मानवीय त्रुटियां ये दोनों अलग चीजें हैं, होती हैं। आप कुछ भी करिए आपको ये त्रुटियां आएंगी, आप अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें गलतियां भी कहीं छोटी मोटी आएंगी, लेकिन समय रहते आप गलतियों को सुधार कर लें। मैं एक संदर्भ में अनिल भाई का बताना चाहूंगा कि नंद कुमार पटेल जी उस वक्त गृह राज्य मंत्री के बाद गृह मंत्री बने थे, इंडिया टुडे जैसा ग्रुप, हिंदी जो उनका पत्रिका थी इंडिया टुडे, उसमें एक लेख आया नंद कुमार पटेल जी के ऊपर में, और उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए जो आपत्तिजनक थे अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में, और उस त्रुटि, वो भूलवश की गई त्रुटि नहीं, जानबूझ के की गई त्रुटि थी, जैसे आप रोहित रंजन के बारे में बात करेंगे हम अभी, जानबूझकर की गई त्रुटि थी इंडिया ग्रुप के द्वारा, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। जब वो अखबार छप के, वो समाचार छप के आया और वो पूरी पत्रिका सर्कुलेट हुई, बहुत ज्यादा उसका प्रसारण होता था, प्रसार होता था, संख्या थी उसकी, जब वो छप कर आया और रायगढ़ में जब वो खबर आई, तो यहां गुरुदेव कश्यप जी ने रायगढ़ संदेश में एक संपादकीय लिखी थी, और उस संपादकीय को पढ़ने के बाद रायगढ़ के शक्तिगुड़ी चौक में प्रतियां जलाई गई थी उसकी, इंडिया टुडे की। उसके बाद जिस जगह वो अखबार समाचार मतलब जो खबर छपी थी वहां पे उसका खंडन आया, क्षमा प्रार्थी है। और इसमें रोहित रंजन के मामले में भी देख लीजिए कि आपने गलत कंटेस्ट में आपको मामले आपने खबर उठा दी, आपको माफी मांगना पड़ा। उसके बाद ये कैसा दौर है कि एक टीवी चैनल का एंकर को ही कहना पड़ रहा है कि आप न्यूज चैनल मत देखिए, ये तो मेरे को मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा भयावह दौर है। मैं एक साधारण सवाल बताता हूँ, अखबार का मालिक कौन, उसका प्रकाशक वो नहीं होता, अखबार का असली मालिक उसका पाठक है जो पैसे दे के खरीदता है। टीवी चैनल न्यूज चैनल को देखने का कब भी पैसे ही देख के ना देख रहा है, चैनल वालों को पैसा देके दर्शक है ना। पर मैं इस मामले में उनसे ज्यादा रुझी उस दर्शक और पाठक को मानता हूँ जो उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो खुल के विरोध नहीं करते। नहीं तो पत्रकार एक ऐसी चीज होती थी कि आम लोग जब शासन से प्रशासन से निराश हो जाते थे तो उसका पत्रकार के ऊपर विश्वास इतना होता था कि मैं अपनी बात को लेकर जाऊंगा तो कम से कम मेरी आवाज को ये पत्रकार उठाएगा। रहा सवाल कॉर्पोरेट का, तो हमेशा पूंजी का खेल ये शुरू से रहा है, परंतु उसके साथ साथ मिशन का कलेवर चढ़ा रहा है। परंतु पिछले 8-10 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता के मायने ही बदल दिए गए हैं, विपक्ष की पत्रकारिता आपको देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि विपक्ष की खिलाफत की पत्रकारिता हो रही है। जबकि ये रेशियो रहा करता था कि चलिए भाई हम 60% आपको
सत्ता पक्ष को दिखाएंगे तो 40% स्थान विपक्ष को दिखाएंगे, परंतु आप विपक्ष को दबाने पे तुले हुए हैं और खासकर एक नेता के खिलाफ तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। नहीं, एक जब न्यूज का एंकर है जो टीवी से जुड़ा हुआ है, न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ है, वो जब अपने ही चैनल में कहता है कि आप न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, वो उसकी भयावहता से परिचित है और वो दूसरों को परिचित भी करा रहा है। ये इतना खतरनाक दौर आ गया है, खासतौर पर मीडिया के संदर्भ में इतना खतरनाक दौर आ गया है कि हम बिना हथियार के हत्याएं कर रहे हैं। देखो सही बोल रहे हैं, हम बिना हथियार के हत्या कर रहे हैं। चरित्र हत्या, ये हत्या ही तो है। आज अगर मान लीजिए उस न्यूज चैनल का एंकर ये कहता है, मतलब आप न्यूज मत देखिए, यानी आप कल्पना करिए कि किस दौर में मीडिया पहुंच गया है, मीडिया का चरित्र कहां तक गिर चुका है, कहां तक नैतिक मूल्यों को लेकर हम चल रहे हैं। आप अगर रोहित रंजन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आपने कहा ना कि विपक्ष और विपक्ष को हम दे उत्तर, मैं कहता हूं कि मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता के साथ अगर मीडिया चला गया तो वहां पर मीडिया खत्म हो गया। चलिए पॉलिटिक्स की तो अलग बात है, लेकिन खबरें झूठ क्यों प्रसारित की जाए? मतलब ये पहला बार नहीं है कि इस तरह के किया गया। आप 2000 के नोट में चीप की बात, किसी ने माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी। अगर हम ये बात करें, पिछले बार और बहुत सारी खबरें प्रसारित की गई जिसमें कहीं कोई माफी नहीं मांगी गई, क्योंकि जो कांग्रेस या संबंधित पार्टी के लोग इतने ऑफेंसिव नहीं है, तो जब कोई ऑफेंसिव होगा तब आप माफी मांगेंगे। ये पत्रकारिता का कौन सा वो है, किस तरह का गलत है ना ये सवाल। एडिटर गिल्ड्स क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं लगाम लगाता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ये इस प्रकार का कि चरित्र हत्या या दुष्प्रचार से संबंधित खबरें जो है एक एजेंडा के तहत चलाई जाती है, उन मीडिया कारपोरेट घरानों का या मीडिया वालों का एक हिडन एजेंडा है किसको आपको शूट करना है। और फिर माफी चाहूंगा, और फिर विनय पांडे जी इसमें छाती ठोक के कहना, जो शैली अर्णब गोस्वामी की है पत्रकारिता की, आप बताइए क्या उस शैली से आप सहमत हैं? वो तो ड्रामेटिक ज्यादा नहीं, वो उनको तो स्टेज पे ड्रामा करना चाहिए, प्ले करना चाहिए, किसी नाटक में काम करना चाहिए, ठीक है, शैली है उनकी। लेकिन ये बताइए आप कि उनके जब न्यूज चैनल में जब ये पूरा का पूरा मामला कई संदर्भ में आप देखिए कि उसमें इस तरीके से चक्रवर्ती के मामले में, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का संकट आ गया है, और इतनी और हम वो संकट खुद पैदा कर रहे हैं। आज अगर आप राजनीतिक, आप बोलते हैं ना कि राजनीतिक दलों राजनीतिक पार्टियों से हट के बाद, मैं कहता हूं कि एक राजनीतिक दल मीडिया बन गया है, और ये ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्ता को अघोषित रूप से समर्थन देता है। सत्ता चाहे कांग्रेस की आए, चाहे भाजपा की आए, या आम आदमी पार्टी की आए, या किसी भी गठबंधन की आए, तो मीडिया समर्थक हो गया है सत्ता का। नहीं, लेकिन उपाय भी तो कुछ होगा ना? उपाय तो सिर्फ मैंने पहले कहा कि फला चैनल गलत खबरें प्रसारित कर रहा है, मैं क्यों देखूं? फला अखबार गलत खबरें प्रकाशित कर रहा है, किसी को जानबूझ के हिट कर रहा है, मैं उस अखबार को क्यों खरीदूं? अखबार खरीदना नहीं खरीदना मेरे हाथ में, उसी तरह चैनल देखना नहीं देखना मेरे हाथ में। नहीं, आपको मजबूर किया जा रहा देखने के लिए। आप विरोध कीजिए, दर्शकों को आगे आना पड़ेगा, पाठकों को आगे आना पड़ेगा। मीडिया कर्मी किसी भी चैनल या किसी से संस्थान से जुड़ा उसका तो पैटर्न है, मालिक जो कहेगा मालिक का हुक्म बजाएगा या नौकरी छोड़ के जाए वो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही पहले सीमित था, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ जिस तरह से दैनिक जागरण ने किसान मामले में किया, कठुआ का आसिफा हत्याकांड वाले मामले में किया, तो ये सब भी लग रहा है कि ये प्रिंट जो अब तक बचा हुआ था वो प्रिंट कहाँ गया? प्रिंट का जो विश्वसनीयता थी अभी कुछ कुछ तो बची हुई है, बहुत सारी चीजें तो कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रॉनिक की तरफ प्रिंट भी जा रहा है। चला गया है, जा नहीं रहा, चला गया है। और पहले प्रिंट मीडिया गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब तो इतना खतरनाक दौर सोशल मीडिया का आया है, मीडिया का तीसरा स्वरूप। ये इतना तेज जहर है, जो साइनाइड कहते हैं ना कि सुई की डोक पर रखो, जीभ में रखो तो उसका स्वाद नहीं आ सकता, कोई इतना तेज जहर होता है। ये सोशल मीडिया इन दोनों से खतरनाक आ गया है। पहले स्थिति ये थी, हम लोगों ने उस दौर में पता लगाया था खबर छूट जाए पर गलत नहीं होनी चाहिए,
आज कॉम्पिटिशन इतना ही हो गया, खबर गलत हो सलत हो चली जाए, बाद में करेक्टिफाई करेंगे, पर माफी मांगने से आप अपनी गलती को नहीं दबा सकते। आपको स्थिति यह बनेगी कि अरे वो पत्रकार जा रहा है, एक जो सम्मान के साथ पत्रकार ये पत्रकार सब वो आपको अब नहीं मिलने वाला। अच्छा आप एक चीज और देखिए ना कि आप देश दुनिया को एक बार किनारे रखिए, आप अपने घर पे देखिए मीडिया का कौन सा ऐसा स्वरूप है या कौन सा ऐसा मीडिया का चेहरा है जो तमनार गारे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोयला के उनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए है कोई सपोर्ट करने वाला? एनजीओस हैं और एनजीओ की मानसिकता वाले जो चैनल हैं या सोशल मीडिया के जो या यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐसे जो प्रतिबद्ध लोग काम कर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, वो आवाज लेकर आते हैं उनकी, तब उनकी आवाज आती है, नहीं तो घुटी हुई आवाज, तब दबा दी गई आवाज। आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कोयले को लेकर, कोयला सत्याग्रह, बताइए आप मेरे को किसने आवाज उठाई, किस मीडिया ने आवाज उठाई, बताइए आप मेरे को, नहीं ना? तो आप कल्पना करिए कि वहां पे कॉर्पोरेट घुसा हुआ है, वहां वो कोयला खनन कंपनियां हैं, वहां वो पावर प्लांट है, उधर कोयला खनन और इधर देश खनन कंपनियां। बात किसी भी अखबार को निकालने में, किसी को चैनल को चलाने में पूंजी का सबसे बड़ा खेल है। अखबार को और चैनल को जो आय प्राप्त होती है वो किनके द्वारा दी जाती है? क्या पाठक से ही उनको आय प्राप्त हो जाती है? नहीं होती है ना। तो जिनके माध्यम से पर्याप्त आय प्राप्त होती है उनके भी हितों का संवर्धन के हिसाब से भी ये अपना काम करते हैं ना। लेकिन फिर भी क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। बता रहा हूँ आपको, आपने जो कहा ना कि एडिटर गिल्ड क्या कर रहा है, भैया हमारे पास हम अगर कुछ गलत करते हैं, हम अगर मीडिया जुड़े हुए हैं, हम गलत करते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक फोरम है, उस गलती पर लगाम लगाएंगे, ठीक है, कि आप नियंत्रण में रहिए। एनएबीए ने कई बार इनके ऊपर लगाम लगाया, कई बार इनके माफी मंगवाई, लेकिन कहां कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और वायनाड वाले मामले में जिस तरीके से किया गया है, और जिस तरीके से वायनाड वाले मामले में इनको गलत कंटेस्ट में उसको ले जाती है, वो बोला अपना अपने संदर्भ में बोला, वायनाड में जो हुआ उसके आप लगा दिया उदयपुर में, और ये काम केवल सत्ताधारी दल नहीं कर रहा है, उनके समर्थक मीडिया नहीं कर रहा है, विपक्ष की मीडिया भी ये काम कर रहा है, और वो ज्यादातर हमको देखने मिलता है सोशल मीडिया में, जो सेकेंडों में सेकेंड के भी कुछ मतलब हिस्से में वो जो है प्रसारित हो जाता है। तो ये सब चीजें आने वाले समय के लिए खतरनाक होती जा रही हैं, और अब जिस तरीके से मुझे लगता है कि चुनाव लड़े जाएंगे उसमें एक पक्ष मीडिया भी खड़ा होगा, मीडिया और जिसके समर्थन में वो मीडिया खड़ा होगा उसके हित की ही बात करेगा। रहस्य और बिना पत्रकारिता को लेकर जो मूलभूत सवाल था, पत्रकारिता किस ओर जा रही है, अपन उस पे आते हैं। मेरे विचार से पत्रकारिता एक अभूतपूर्व संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, जिसमें उसके सामने उसकी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। तो हमारे जैसे पुराने पत्रकारों को और नए पत्रकारों को ये सबसे बड़ा है कि अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उस पर उनको विचार करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगती बहुत देर हो गई है आपको? लगता है कि बहुत देर हो गई है? संक्रमण के दौर से हम वापस लौटने की एक गुंजाइश बना के रखते हैं, क्या वापस लौटने की गुंजाइश लग रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उसका कारण ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है सच और झूठ को पहचानने में वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रसारित कर देते हैं। भाई आपने सही समाचार चलाया, पता चला वो आपका किसी का नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसको उल्टा खबर बना के सोशल मीडिया में चला देगा, काउंटर कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी विश्वसनीयता इतनी प्रबल होनी चाहिए कि युवराज सिंह ने अगर एक खबर दी है मतलब वो 100% सच है, उसमें सच सुबह की कोई गुंजाइश नहीं। मैं याद होगा युवराज उस दौर में कि अगर अपन एक खबर बना के दे दिए तो प्रशासन हो या शासन हो ये मान के चलता था ये खबर इन्होंने सही दी है और उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी। गलत खबरों को आगे बढ़ाने के लिए अब इस बात का सहारा भी लिया जा रहा है कि किसी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति से उस बात को कहलवा दी जाए। एक दौर था जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो एक ग्रामर का एक पेज फंसा, ट्रांसलेशन कर रहे थे, ट्रांसलेशन में ग्रामर का कुछ पोर्शन पढ़ते हम लोगों के सामने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सेंटेंस को पोर्ट किया और बोला कि ऐसा ही
ये सेंटेंस भी बनेगा। तो हम लोगों ने बिना तर्क के मान लिया, हम लोगों ने कोई तर्क नहीं किया कि ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन क्या आज के दौर में आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा कहे हुए किसी तरह की बात को हम मान लें? क्या आप मान रहे हैं? नहीं मान सकते क्या इस दौर में है? क्योंकि तो चीजों को कहनवा देने से स्थापित करवाने की ये जो कोशिश है ये भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा एक चीज और लगती है मेरे को, एक और षड्यंत्र चल रहा है देश में, और वो ऐसा है कि अगर आपको कुछ ऐसे फैसले लेने हैं या कोई बड़ा आपका किसी मामले को लेकर विरोध हो रहा है तो आप उसके पैरेलल आप कोई ऐसी खबर प्लांट कर दीजिए कि लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाए। तो होता है ना कि अगर मान लीजिए मेरी उंगली में यहाँ पे सुई चुभ गई है, पचला यहाँ पे खीला गड़ गया, तो ये सुई से ध्यान हट जाएगा, खीले में ध्यान चला जाएगा। ये तो सत्ताधारियों का पुराना अभी अभी ये बड़े स्वरूप में निकल के आ रहा है और वो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने का काम मीडिया कर रहा है और यहीं से मीडिया मीडिएटर बन गया है। हाँ खुल के मैं नहीं कहना चाहता और नैतिक तौर पर अगर समय से चल रहा है नैतिक तौर पर नीचे से ऊपर तक इसके जो है ना लोग मिलेंगे, अछूता कहीं कोई नहीं है। अच्छा आपने जो कहा ना कि मुंह से कहलवा दिया जाता है, तो मुंह में शब्द भरने का जो एक सिलसिला है वो आप 4 बजे बाद की डिबेट में देख सकते हैं, वहां शब्द भरे जाते हैं। आपको साहब ये बोलना है, आज आपको इस विषय पर डिबेट करानी है, लोगों को यहां भटका के रखो, ये जो इसमें जो मीडिया की भूमिका है वो खतरनाक है। देश में चाहे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े उनको कोई मतलब नहीं है, एक बयान जारी करवा दिया आपने किसी भी पैनलिस्ट से और उसका देश भर में विरोध शुरू। एक सवाल मैं विनय से पूछ लेता हूं जी, विनय को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया, इन तीनों में कार्य करने का एक लंबा अरसे का तुम्हारा अनुभव है, अपनी तरफ से एक पत्रकार होने के नाते क्या सोचते हो कि पाठक को के सामने दर्शक के सामने किस प्रकार की सामग्री परोसने का प्रयास करते हो? ऐसा नहीं सामग्री का मतलब यह है कि कुछ सूचना से शुरू होता है। दरअसल मीडिया हम लोगों को पढ़ाया गया था मीडिया सूचनाओं के संप्रेषण का माध्यम है, फिर विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। तो जब हम लोगों को जब ये पढ़ाया गया था बहुत सारी चीज़ें थी, ये बताया गया था क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या लोगों तक जाना चाहिए, अंधविश्वास को नहीं फैलने देना चाहिए। बीच में भूत प्रभूत का बड़ा दौर आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उससे पहले हम लोगों को ये समझाया गया था ये नहीं होना चाहिए, ये जब आप किसी सांप्रदायिक दंगा का कुछ लिख रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। हम लोग अभी अपने जो न्यूज़ पोर्टल है munari.com उसमें हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोड़िए, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ी 2013 में, तो मैं देखा कि इसके बाद तो जो शुरू हुआ वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, उस पैगंबर साहब ने ऐसा कहा, पहले ऐसा कोई बोलता भी था तो खबरें प्रसारित नहीं होती। मैं एग्जैक्टली यही कहलवाना प्रसारित नहीं होती थी कोई मीडिया उसको छापने को तैयार नहीं होता था। आज तो कहलवा करके छपाया जा रहा है। मौलाना शाद आज शाद कहाँ है, कैसे गिरफ्तार हुआ, कहाँ गिरफ्तार हुआ, लेकिन इन लोगों ने जो उस समय माहौल बनाया कि कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, बताइए ये जो इस तरह का जो माहौल बनाया गया कोरोना की जिम्मेदारियों से बचने के लिए सरकार को बचाई जा सके इसलिए इस तरह का, ये तो विध्वंसक है। ये युवराज सिंह ने कहा कि मीडिया भी अब एक राजनीतिक दल है, वो राजनीति कर रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने खेमे लोगों ने मीडिया ने चुन लिए हैं और उस हिसाब से अपनी खबरों का भी संप्रेषण प्रसारण प्रकाशन कर रहा है, जबकि मीडिया को ये होना यह चाहिए, इस लोकतंत्र का चौथा खंभा मीटर है मीडिया, और चाहे राजनीतिक दलों में चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके ऊपर अपना अंकुश लगाम लगाए और उनकी कमियों को अपनी आलोचनाओं के माध्यम से उजागर करे। मेरे को लगता है जो हम बार बार खंभे की बात करते हैं ना, लोकतंत्र खंभे
वो खंभे ढह चुके हैं। अब मुगालता है ये, मुगालता है, सिर्फ मुगालता है कि हम लोकतंत्र के पहले खंभे हैं, हम लोकतंत्र के दूसरे खंभे हैं, हम तीसरे खंभे और हम चौथे खंभे। उसका मैं बता रहा हूं आपको कि अभी देखिए आप, अभी तक अगर विश्वसनीयता की बात अगर करें ना आम आदमी की, तो आज भी अपनी समस्या लेकर चार लाइन लिख के वो अखबार के दफ्तर पहुंचता है, चैनल के ऑफिस पहुंचता है, और अगर दो भाइयों में या दो समूह में झगड़ा हो जाए तो बोलता है कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। तो अखबार के दफ्तर तक या चैनल के दफ्तर तक विज्ञप्ति पहुंचाना, अपनी बात को, समस्या को लेकर जाना, और अगर ये कहना कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, तो आज भी भरोसा है। मैंने वही कहा कि लेकिन इस भरोसे को कायम करने के लिए क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? हमने भरोसा तोड़ दिया है। हमारे एक सीनियर ने बहुत पहले कहा था कि लोकतंत्र के चार खंभे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका। तीन के बारे में पहले से ही बहुत अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन खबर पालिका को लेकर के फिर भी विश्वसनीयता बनी हुई थी। हम छोटे कस्बे में पत्रकारिता कर रहे हैं और जिनकी हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े सिटी में, देश की राजधानी में पत्रकारिता कर रहे हैं, कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी पीढ़ी को कैसे गर्त में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं, दंगे भड़काने से लेकर के किसी राजनीतिक पार्टी को एंडोर्स करने, उसको गिराने जैसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, सभी को संभालना होगा। ये खबर पालिका से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी को संभालना होगा और संभल करके आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि बात सिर्फ आपके व्यवसाय या आपके मिशन की नहीं है, बात आने वाली संततियों की है, बात देश का है, देश को बनाने या बिगाड़ने का है, क्योंकि आपके बहुत सारे कृत्यों का प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहा है। धन्यवाद। मुनादी न्यूज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर कुछ लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।